होगा वो जानना बहुत जरूरी है, लेकिन दो मिनट बाद। ठीक, अब हम देखें, आपने कुछ जिक्र किया चैंपियन विद इन द सिस्टम जो कि रिस्क ले, लीड करे और हो गवर्नमेंट सेक्टर से और गिवर हो और हो पब्लिक सेक्टर में। दिल का गिवर आदमी होना चाहिए भाई चैंपियन। अब तेरे बताया ना, चैंपियन कभी हो सकता है छोटे दिल का। अब हम ये बात, ये सवाल असल में सबसे पर्टिनेंट जो है ना वो बनता है रेलेवेंट भहीम साहब से, क्योंकि उन्होंने ये रोल भी प्ले किया है और उन्होंने देखिए एक फिर अगेन क्वेश्चन, ये दो दो एस्पेक्ट होते हैं इस पर्टिकुलर चैंपियन के होने के, एक तो स्टेट और एक गवर्नमेंट। या तो स्टेट होता तो हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर वीक है, जब गवर्नमेंट की बात करते हैं तो वो हम कहते हैं गवर्नमेंट का विल का मसला है। ठीक, तो इन दोनों का ही मिलकर हम बात करते हैं। फहीम साहब से मैं ये सवाल पूछूंगा, देखें सर अभी आरिफ साहब ने जो बात की ना उसको भी हम अगर सिर्फ समअप करें तो हमें नज़र आता है एक जगह बहुत प्रॉब्लम आ रही है, वो हमारी रेगुलेटरी जो अथॉरिटी है या उसका जो रोल है। गवर्नमेंट पीछे होती है, आगे होता है रेगुलेटर, स्टेट आगे आ जाती है कुछ चीज़ों में। ठीक, तो हमें पीछे से वो इन्फ्लुएंस कर रही होती है गवर्नमेंट पॉलिटिकल विल। आपका जितना टेन्योर रहा, ठीक, इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को ज़रा आपने एक्सप्लेन करना है हमें व्यूअर्स को जो कि बहुत एक्सपर्ट नहीं है इस मामले में, जनरल पब्लिक है, कि स्टेट का कितना रोल होता है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस क्या होते हैं जो कि आप लोगों को रोकते हैं, या अगर रिफॉर्म करना है तो कहां से शुरू करें। क्विक अगर आप हमें 5-10 मिनट्स में एक्सप्लेन करें ये रोल क्या है। जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं नहीं समझता कि मैं कॉम्पिटेंट हूं इस सवाल का जवाब देने का। अच्छा, मैं आयुष साहब जानते हैं, मैं अपनी जो बात है कोशिश करता हूँ मुख्तलिफ एनिकडोट्स के जरिए, किस्सों के जरिए, ताकि वो जो है मुझे ये पता है कि देखिए आप जिस तरह से रियासत को देख रहे हैं या जिस तरह से आप गवर्नमेंट को देख रहे हैं, मेरे हिसाब से देर इज एक मैसिव बैंक्रप्सी, फेलियर नहीं है, बैंक्रप्सी है स्टेट और गवर्नेंस में। जो जो फैक्टर्स जिन्होंने शहर को या मुल्क को या सूबे को चलाना है, जिन चीज़ों को चलाना चाहिए, वो तो एक इवन अगर आप डिमांड एंड सप्लाई की भी बात करें कि भाई ये डिमांड है तो ये चीज़ करने की ज़रूरत है, वो चीज़ करने के लिए एक पॉलिटिकल विल चाहिए। अच्छा, वहाँ पॉलिटिकल विल में, और ये मैं पिछले कम से कम 25-26 साल से फर्स्ट हैंड बेसिस पे देख रहा हूँ कि वो विल तो एग्जिस्ट करना तो एक बहुत दूर की बात है, वो एक ये कह लीजिए कि एक जो है किबले की तरफ मुंह करके जिम्मेदारियां अदा कर रहा है, दूसरा पीछे खड़े होकर घंटियां बजा रहा है, कोई कॉन्फ्लुएंस ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। इसी मैं बहुत खुल के नहीं कहना चाहता है कुछ चीजें, मैं एक जानता हूं एक जर्मन मैन्युफैक्चरर यहां कराची में एक गाड़ियों का असेंबली प्लांट, एक बहुत ही एडवांस्ड प्लांट सेटअप करना चाहता था। दिस इज वे बैक इन 2009-2010, और ये मुझे उस जिस मुल्क का वो प्लांट था उसके काउंसिल जनरल ने अपने मुंह से जबान से सुनाया है। उसने कहा कि जी जब वो यहाँ पर आया, उन्होंने कहा जी इंडिया में मर्सिडीज बन रही है, ये बन रही, हम ये यहाँ बना ये लगाना चाहते हैं। तो उनको ये कहा गया कि भी आप फलाने फलाने से मिल लें। अच्छा, फिर उसके उन्होंने इंतजार वेट आउट किया ना, हम किसी से नहीं मिलते। नए वजीर आजम साहब आए तो नए वजीर आजम साहब ने कहा मैं डेवोस जा रहा हूँ, चेयरमैन को कहूँ मुझसे आके मिल लें। उनका जितनी आपकी GDP है उससे ज्यादा की मेरी वो है, तो मैं क्यों मिलूँ, डेवोस में नहीं मिले। अब वही कारखाना जो कि पोर्ट कासिम में लगना था वो जाके हब पे लग रहा है। ठीक है, सो कहने का मतलब है कि यहाँ जो है मैं एक चाइनीज पाकिस्तानी का उसको जानता हूँ जॉइंट वेंचर को, और ये मुझे 2020 में 2019 के एंड की तरफ मुझे उसे जो उनका पाकिस्तानी वो जॉइंट वेंचर पार्टनर था उसे अपने आप से नहीं, उसे कहा हम हाइब्रिड बसेस लाने को 600-650 कराची में तैयार थे, और कराची में तैयार हम ये कहते हैं हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, ना हमें आपसे कोई गारंटी चाहिए, ना हमसे आप कोई फैसिलिटेशन चाहिए, हमें कुछ हमें आपसे ये 2-3 चीजें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में चाहिए, ये सब कुछ हो जाएगा। इसमें ये जो पावर्स दैट बी, और पावर्स दैट बी मतलब हर किस्म के
कपड़े और वो पहनते हैं, उनका जी बताइए इसमें हमें क्या फायदा होगा। नतीजा हुआ वो चीज दो तीन साल चलने के बाद फिजल आउट हो गई। तो अब जब आप बात करते हो कि लोगों को जमा करो, उनको ये करो, आप ये तसव्वुर कर रहे हो कि किसी जगह पर एक इनिशिएटिव है, एक जरूरत है, एक डिजायर है कि हम ऐसा करेंगे तो हमें पॉलिटिकली जो है ना फूलों की माला मिलेगी। यहाँ ये इश्यूज ही नहीं है, यहाँ नहीं। एक सेकंड इसको बंद कर दो। सॉरी, तो मैं जो मैं अर्ज करना चाह रहा हूं वो ये है कि आरिफ साहब या अशद जो भी बात कर रहे हैं, ये जो चीज कर रहे हैं वो इस तसव्वुर की बुनियाद पे कर रहे हैं कि यहां पर एक रिक्वायरमेंट है। अच्छा, मैं लोगों से पूछता हूं अभी, मैं देखता हूं, ये मुझे बताइए आखिरी बार आपने इस शहर में मोटरसाइकिल पे एक लॉन्ग डिस्टेंस सफर कब किया है? अगर ऐसा, मैंने अभी एक दो दिन पहले ऐसे ही ट्रायल रन किया था। अब यकीन कीजिए जो गर्मी, धूप, पसीना, बसों के, बसें तो है नहीं, रिक्शा के अंदर बसों के हॉर्न लगे हुए हैं, वो जो भी इट्स मतलब ह्यूमन इंसल्ट जो कराची का इस वक्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट नामनियाद ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो एक। मगर मसला ये है कि जो लोग अरबाब इख्तदार, वो चाहे तुगलक हाउस में बैठे हों, इस्लामाबाद में बैठे हों, पिंडी, उनको इन चीज़ों का इधराक नहीं है। तो आप जो बात कर रहे हो ना कि पॉलिटिकल विल, तो देखिए वहां पर चैलेंज हो सकती है कि एक जेन्युइन डिजायर हो कि यार हमने सिस्टम को फिक्स करना है। अगर हमने उस सिस्टम को फिक्स करना है तो उसके अंदर बैंक गारंटी कौन प्रोवाइड करेगा, रूट परमिट्स क्या होंगे, ये क्या होंगे, ठीक है ना, ये चीजें उस वक्त आ सकती हैं। यहां तो बैंकरप्सी का आलम यह कि मैं नहीं समझता कि किसी भी शख्स में जो अरबाब इख्तदार जो तीनों चारों टीयर के इस वक्त लोग हैं उनके अंदर ये कोई डिजायर है कि आपने कराची के अवामन नास का ट्रांसपोर्ट चाहे ले लीजिए उसको हल करना या उसको एड्रेस करने की कोशिश करनी है। ये मैं जो पॉलिटिकल एंगल से जो आप कह रहे थे, देखिए इसमें अल्टीमेटली वो जाके, ठीक है ना, मल्टीपल, मैं पिछले तकरीबन समझे कि कोई 7-8 साल से तो बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व हूँ और पिछले 14-15 साल से रिलेटिवली लेसर एक्टिवली इन्वॉल्व था। जो पिछले 7-8 साल में बहुत एक्टिव काम किया जिसके अंदर आप हर फोरम के ऊपर काम करना चाह रहे होते हैं, प्रॉब्लम आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करूँगा, जो फेलियर होता है ना वो वही होता है जाके कि भाई ये करने के लिए हु इज़ द चैम्पियन, गवर्नमेंट में कौन है जिसको पेन है कि इसको सही करना है। मैं और तुम या हम जितने भी लोग बैठे हुए हैं हम अपनी लाख विल रखे हम सही नहीं कर सकते। सही करने के लिए अरबाब इख्तियार का अवेयर होना बहुत जरूरी है और फील होना जरूरी है करना है कुछ। अब मैं तुम जी पॉलिटिकल विल की बात कर रहे हैं, ठीक है, आपने बिल्कुल ये बात सही की कि पॉलिटिकल विल नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ देखें कराची में जो यहाँ की एथनिक मेजोरिटी की जो पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी, थोड़ा सा हम स्पेसिफिक्स नहीं भी आते, हम सबको पता है कराची का हाल, उसको हुकूमत मिली, उसने डिलीवर करने की कोशिश भी की, बट फॉर सम रीजन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM कितना ओपन हो सकती है, नहीं सर मैं आता हूं कितना ओपन, ये तो आपके ऊपर है सर, आप कितना बर्दाश्त कर सकते हैं रिटेलिएशन, देखिए वो मेरा मुझे भी मसला नहीं है कितना ओपन हो सकते हैं, देखिए पॉलिटिकल विल बिल्कुल हो सकते हैं, पॉलिटिकल विल ये इनफॉर्मली डिस्कशन है, पॉलिटिकल विल जो है आप लोग सब सेफ है, सबसे ज्यादा मैं डेंजर में हूं, नहीं सेफ और अनसेफ का मसला ही नहीं है यार, नहीं पॉलिटिकल विल सर देखिए कहाँ से आती है, हमने देखा, हम तो बच्चे थे उस वक्त जब ये सारा प्रोसेस हो रहा था, जब ये हम देख रहे थे कि एक यहाँ की जो मेजॉरिटी, कंसिडरिंग जो कराची का इस वक्त एथनिक स्ट्रक्चर है उसमें जो मेजॉरिटी पार्टी थी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, उसको एक हद तक ये इदराक, अगेन सर ने कहा कि इदराक ही नहीं होता, मेरा ख्याल में ऐसा तो नहीं है, ये इतने वेल कनेक्टेड होते हैं
अब बात ये एक बात आर्य साहब ने की बड़ी इंटरेस्टिंग और उसको थोड़ा सा एक सर एक एक सिर्फ एक मैं बात करूं के बारे में पॉलिटिकल इस पर्टिकुलर जो तुमने एस्पेक्ट उठाया ना, देखो मैं तुम्हें अपनी दो एग्जांपल्स देता हूं। अगेन जैसे फहीम साहब ने कहा चीजें किस्सों से आगे बढ़ती हैं और जो आपके पास किस्से होते हैं ना वो मतलब वो तस्करा किया, ठीक है, जिंदगी में पहली दफा, क्योंकि मैं बेसिकली बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेने वाला आदमी नहीं हूँ, अपने काम से काम रखने वाला आदमी हूँ, ठीक है ना। जब हम ये प्रोजेक्ट कर रहे थे और हम इस पूरे प्रोजेक्ट को करना चाह रहे थे अच्छी तरह से, 2008 में सबसे पहली दफा मुझे फोन आया and I was called at 90 ठीक है, और उन्होंने मुझे वहाँ पे जो हजरात बैठे हुए थे उन्होंने मुझसे कहा कि यार मुझे ये बताओ पठान ऑपरेटर को कैसे निकालोगे। मैं तुमसे कोट्स एंड कोट्स में लफ्ज यूज कर रहा हूँ, पठान ऑपरेटर को कराची से कैसे फारिग करोगे, क्योंकि टू देम इन 2008 एंड 2009 दे वर एएनपी और एएनपी उस जमाने में बहुत ज्यादा जान पकड़ रही थी। मैंने कहा सर देखिए मैं हूँ कंसल्टेंट आदमी और एक इंजीनियर हूँ, मैंने रूट डिजाइन किए हैं, उनकी चीजें की हैं, डिमांड आपके सामने है, इसके ऊपर ऑपरेटिंग ऑपरेशंस की बिडिंग होना एक्सपेक्टेड है क्योंकि बिडिंग के बगैर नहीं होगा। ये पॉलिसी बनाना कि जी पठान कैसे जाएगा, माजर कैसे आएगा, पंजाबी कैसे जाएगा, कैसे आएगा, ये बियॉन्ड माय स्कोप है और बियॉन्ड माय वर्क है, मैं कर नहीं, मैं क्या करूं, ठीक है। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, बड़ी लंबी चौड़ी बहस हम बाजी और बहुत ही के बाद उन्होंने मेरी जान बख्शी कर दी, ठीक है। फिर क्या हुआ, जो हुकूमत थी, जो कराची मास्टर ऑडिट सेल था जिसका वो प्रोजेक्ट था, दे स्टार्टेड ब्रिंगिंग इन वो ऑपरेटर्स जो कि उर्दू स्पीकिंग फैमिलीज से थे और उन्होंने कभी जिंदगी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलाई थी क्योंकि कभी नहीं चलाई गई, इवन सो मच सो कि हमें ऑफर किया गया कि 40 रूट में से 2-3 तो तुम ही उठा लो, तुम्हें पता तो है कितने लुक्रेटिव है। यार हमारा काम ही नहीं है भाई बसें चलाना, हमने प्लान कर दिया कंसल्टेंसी के रोल में है, हमारा काम बसें चलाना नहीं है, ठीक है। अल्टीमेटली तुम्हें क्या था, तुम देखो पुश आउट करना था एक पर्टिकुलर ग्रुप को क्योंकि वो पॉलिटिकल राइवल्स थे आपस में, ठीक है। 2009 में ये बात 2008 और 9 की है ना, 2009 के कुछ इंसिडेंसेस हैं, मुझे डेट याद नहीं है लेकिन रमजान था 2009 का, जिसके अंदर पहले इंस्टेंस के ऊपर कराची के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में फायरिंग हुई, 3 या 4 इंस्टेंसेस हैं, ठीक है। उसके बाद अगर तुम देखो तो जो बड़ी इंटेलिजेंट, मुझे नहीं पता हु क्राफ्टेड इट एंड हाउ एंड व्हाई, लेकिन अगर तुम देखो तो हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अगर मैं स्टैटिस्टिक्स देखूं तो हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 2 तरह के कस्टमर्स बहुत कॉमन है। आपका शॉर्ट कम्यूटिंग कस्टमर जो है वो तकरीबन 20-22% है, दैट ट्रेवल्स लेस देन 5 किलोमीटर्स, ठीक है, लेस देन 5 किलोमीटर एनीवेयर इन द नेटवर्क, ठीक है। ये वो कम्यूटर है जो ऑफ पीक में आता है ज्यादातर, क्योंकि वो स्कूल जा रहा है, वो खवातीन हैं, बच्चे हैं, या बाजार जा रहे हैं, या छोटे ट्रिप्स हैं ये। और आपके जो जो शॉर्ट कम्यूटिंग के अलावा जो लॉन्ग कम्यूटिंग है ना, जिसको हम कहते हैं 10 किलोमीटर एंड अबव, वो भी तकरीबन 20-22% है, लेकिन वो टेम्पोरली सिर्फ मॉर्निंग के 3 घंटे और इवनिंग के 3 घंटे है। तो अगर किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो सर्वाइवल है वो उसके शॉर्ट कम्यूटर पे बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो लॉन्ग कम्यूटर है जो उसे पैसे दे रहा होता है उसमें सर्वाइवल कम है, शॉर्ट कम्यूटिंग का सर्वाइवल क्योंकि वो चढ़ता है पैसे देता है उतर जाता है। एंड दैट वी सॉ इन 2010 एंड बाय द एंड ऑफ 2009 के अगेन आई शुड नॉट, मतलब नहीं पता ये वर्ड्स यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एज अ बेटर ऑल्टरनेटिव टू पश्तूंस सराइकीज वर ब्रॉट इन, क्योंकि सराइकीज टू देम वर अ बेटर एलाई देन द एएनपी, ठीक है। सराइकीज आए चिंची के साथ है। अब तुम ये देखो जो चिंची ऑपरेटर्स थे, अगर तुम उस जमाने में देखो तो चिंची के जो रूट्स थे उसके ऊपर लिखा होता था S2, S3, S4, उनको रूट देता था कोई। मल्टीपल टाइम्स मैंने रुक के लोगों से पूछा यार ये रूट तुम्हें कौन देता है, कर सेक्टर देता है, फलाना सेक्टर इंचार्ज देता है। बिगिनिंग में ये जो रूट थे ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फेयर था ₹17 मिनिमम, ये जो मैं बात करूं चिंची और मैं बात करूं कोच और मिनी बस की, ये चार्ज कर रहे थे ₹10, शॉर्ट कम्यूटिंग करते थे ये ₹10 ले रहे थे और दिन का ₹100 दे रहे थे सेक्टर को टू गिव देम प्रोटेक्शन, ठीक है। ये सारा शॉर्ट कम्यूटर खींच के ले गए,
17 रुपए और 10 रुपए के चक्रों में। ये वो दौर है जिस वक्त डीजल की प्राइस ऑल टाइम हाई पे थी, 150 डॉलर पर बैरल पे थी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जो कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद था उसने आपकी रेगुलेटर को इतना बॉक डाउन करके प्रेशर कर लिया कि उसने फ्यूल की प्राइस को फेयर के साथ 1:1 टैग कर दिया, विच इज कि ये अगर 1 रुपए फ्यूल बढ़ेगा तो 1 रुपए किराया बढ़ेगा। हुआ क्या, दो चीजें हुई उससे, अगर 1 रुपए फ्यूल बढ़ रहा है और 1 रुपए किराया बढ़ रहा है तो क्या होगा, एट द सेम टाइम एक वक्त आएगा जब मेरे लिए मोटरसाइकिल बाइबल हो जाएगी, जब मेरे लिए मोटरसाइकिल विल बी मोर इकोनॉमिकल देन गोइंग इनटू द पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सो एक चीज ये होना शुरू हुई। दूसरी क्या हुई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स ने डीजल के हेड्स निकाल के पेट्रोल के जेट्स लगाने शुरू किए और सीएनजी लगाना शुरू की। उस वक्त भी रेगुलेटर ने उसको सीएनजी लगाने से नहीं रोका, सपोर्ट किया। अच्छा, फेयर आपका चल रहा है डीजल के साथ टैग्ड और आपका फ्यूल हो गया सीएनजी, तो यार क्या आंखें बंद थी रेगुलेटर की? रेगुलेटर की क्या, रेगुलेटर बेनिफिशियरी नहीं था? रेगुलेटर वाज ऑल बेनिफिशियरी इन दिस, ठीक है ना? मैं तुम्हें सिंपल सी बताऊं चिंची, उस जमाने में मेरे एस्टिमेशन के मुख्तलिफ सर्वे और मुख्तलिफ हिसाब से 2010-11-12 जब तक सुप्रीम कोर्ट ने बैन नहीं कर दिया अराउंड 25,000 चिंची चलती थी। 25,000 चिंची 200 रुपए पर डे दे रही थी सेक्टर को, बाकी मल्टीप्लीकेशन तुम खुद कर लो। दिस वॉज गुड, नियरली 2 बिलियन रुपीज ऑफ रेवेन्यू ड्रेन्ड आउट फ्रॉम द गवर्नमेंट किटी। गवर्नमेंट किटी यू कह रहा हूं कि द रूट परमिट है वो गवर्नमेंट की किटी है। Exactly. तो इतना अनअवेयर या इतना पॉलिटिकली अनअवेयर कहानी नहीं थी ये, exactly, ये बात ठीक है, इतना कहानी खराब नहीं थी ये चीजों पे, ठीक है ना? तो ये ऐसा नहीं है कि बेबहरा नहीं होता कोई भी, कोई इंटरेस्ट ले या ना ले उसके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं जो सुपरसीड कर जाते हैं पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर। मैं एक सवाल पूछना, ये बहुत ही भयानक बातें करती सर मैंने, लेकिन आपने माहौल आपने सही माहौल बनाया पहले सर के पास, अभी पहले इस पे करते हैं। तो और बड़ा खतरनाक किस्सा था, तो शुक्र करें आज 2022 में, ये 2014 में नहीं, नहीं हम आपको अंडरग्राउंड नहीं कर सकते इस वक्त, बहुत जरूरी है। अच्छा सर, सर ने एक बैकग्राउंड बना दिया है, माहौल आपको पता है, आपका मिजाज जो है ना आर्किटेक्ट जो प्लानिंग के साथ साथ आप कराची के साथ कनेक्टेड हैं रूट से, उसकी आपकी किताबों से पता चलता है। आप अपने आपको एक शायर भी और एक डिफरेंट तरीके से भी अपने आपको आप प्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने। आप सॉफ्टवेयर एंड ऑफ डेवलपमेंट को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, आपने देखा है जो बात इन्होंने की। देखें अब बात आपके सामने है कि ये, मैं एक मिसाल तो हमें भी पता है, अब मैं सबसे आखिरी सवाल और आवाम के सामने रखेंगे ऑरेंज लाइन की मिसाल जिसमें वो डिसकनेक्टेड है। एथनिसिटी कराची की जो एक बहुत बड़ा एक एसेट है, होना चाहिए था, उसको बना दी हमने लाइबिलिटी। मुझे ये बताएं क्या आवाम डिसकनेक्टेड है या आवाम को डिसकनेक्ट किया गया है, और इसका जो ट्रांसपोर्टेशन पे सर ने बताया एक इम्पैक्ट अशर साहब ने, वो किस हद तक ट्रू है, इस पे जरा थोड़ा सा। देखिए एथनिसिटी जो है ये तो तकरीबन सारे मुल्कों सारे बड़े शहरों का जो है आजकल, जिन्हें ग्लोबल सिटीज़ कहते हैं या मेगा सिटीज़ कहते हैं, उन सब में है, मुंबई में है, दिल्ली में है, बैंकॉक में है, सब जगह। इसमें मेरे ख्याल में जो अहम बात है वो है रूल ऑफ लॉ। अगर कानून जो है सही तरह से नाफिज किया जाता है, फॉलो किया जाता है, तो ये एथनिसिटी के जो डिविजन्स हैं ये सॉफ्टन होते हैं। देखिए मसलन मैं इसकी मिसाल इस तरह से देता हूँ आप, मैंने कोई समझिए वेस्ट कराची की कच्ची आबादियों में कोई 30 साल काम किया है, 30-35 साल। जब किसी का मसला होता है तो वो अपने एथनिक ऑर्गेनाइजेशन के पास जाता है, क्योंकि उसे पुलिस स्टेशन में ये इंसाफ नहीं मिलता। उसे बच्चे की दाखिला करना होता है, कहीं दाखिला नहीं मिलता, वो फिर वापस जाता है अपने एथनिक ऑर्गेनाइजेशन, वो दाखिला दिलाता है। यहाँ तक कि वालदा का इंतकाल हो जाता है तो कब्र चाहिए, उसके लिए वह वहाँ जाता है। और ये ख़ास तौर से पठानों में है। जब मैंने काम शुरू किया था 78-79 में, तब ये चीज़ इतनी नहीं होती थी, मगर जैसे आबादी बढ़ी, जैसे इलेक्शंस लोकल बॉडीज़ के हुए 2 दफ़े, ये चीज़ बढ़ी। तो देखिए अगर मेरा तो शुरू से ये लिखा भी काफ़ी है इस पर कि अगर कवानीन जो हैं उन पर सख्ती सख्ती से अमल हो
तो ये बहुत हद तक शौकीन होता है। मैं इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, ये तो आप छोड़ दीजिए जो मैंने बातें की है, अगर बे फॉर्म चाहिए आपको निकलवा लीजिए बे फॉर्म, आप कहाँ जाएंगे, आप वहीं जाएंगे 9-0 जाएंगे या फिर आप फ्रंटियर कॉलोनी जाएंगे बे फॉर्म निकलवाने के लिए। आपको अपनी घर लीज कराना है, उसके नक्शे बनवाने हैं लीजिंग के, आप कहाँ जाएंगे, आप अपने एथनिसिटी के दलाल के पास जाएंगे। तो ये तो कानून की क्योंकि है ही नहीं बारादस्ती, उसकी वजह से ये एथिक सपोर्ट है। दूसरी बात मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस कर दूंगी कि मुझे अब हो गए हैं 50 साल तकरीबन जिसमें मैंने 3 जनरेशन ब्यूरोक्रेट से डील किया। जो मैंने इब्तिदा में किया था जब मैं जवान आदमी था, तो ये जो ब्यूरोक्रेट थे ये दे वर डीपली वेडेड टू द वेलफेयर स्टेट कॉन्सेप्ट, और उनके लिए हर एक चीज हुकूमत को देनी थी। अच्छा, उसके अलावा बहुत सारे शायर भी थे और बहुत सारे के स्ट्रॉन्ग लेफ्ट विंग एफिलिएशन भी थे क्योंकि फ्रीडम मूवमेंट के वो प्रोडक्ट थे। अब आप देखिए कि ये सब कुछ ख़त्म हो गया। एक तो बड़ी एग्रेसिवली 90s की इब्तिदा में, बल्कि 80 में शुरू हो गया था, दिहाई में कॉन्सेप्ट प्रमोट किए गए, इट्स नॉट द बिजनेस ऑफ द स्टेट टू डू बिजनेस, वर्ल्ड क्लास सिटी कॉन्सेप्ट। उसके बाद आप ये देखिए जहाँ होता था मास्टर प्लान में इंटरेक्शन बिटवीन प्लानर्स पॉलिटिशियंस एंड पीपल, अब हो गया बिटवीन स्टेक होल्डर्स, अवामत स्टेक होल्डर, एंड ये जो प्लानर्स हैं ये प्लानर्स हैं अभी माशाल्लाह, मगर अब आ गया है कॉन्सेप्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का। ये आपकी 3 चीज़ें डोमिनेट करती हैं आपके, तो जो प्लानर का रोल है, जब ये 2 दूसरे रोल बदल गए तो प्लानर का रोल भी बदल गया, एकेडमिया का रोल भी बदल गया। आप इस दौर से गुजर रहे हैं जहाँ हुकूमत के इदारों को किसी किस्म की डे जूर या डी फैक्टो अथॉरिटी नहीं रही। आप इसको थोड़ा सा पढ़ लें, डी जूर भी नहीं रही, बहुत सारी डी जूर अथॉरिटी थी वो जा चुकी है। अब असल चीज़ जो है, जो रिसर्च करने की है, समझने की है, वो ये है कि हकीकत है क्या शहर की। मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है ये बयान करना कि इसकी हकीकत क्या है। ये कई शहर बन गए और उनके अपने मरकज हैं और उनके अपने एंटरप्रेन्योर्स और बिग बिजनेसमैन हैं। यहाँ तक मैं कहूँगा कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है उसमें भी इन्हीं मरकजों का इंटरवेंशन और कंट्रोल है। तो ये बहुत मुख्तलिफ सूरत हाल है। मैं इसकी अच्छा इसमें फिर मुग़ल बादशाह का जो अपने आप को मुग़ल बादशाह समझने का भी एक वो आता है मैं भी बहुत किस्से सुना सकता हूँ, मगर एक बात, एक मीटिंग थी उसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक वाले भी थे और हमारे नाज़मीन भी थे, उसमें मैंने कहा कि ये आपका कॉन्सेप्ट है ये कराची का, इट विल बी अ वर्ल्ड क्लास सिटी, इसे बदल दे और इसे कर दे कराची विल बी अ कम्यूटर एंड पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली सिटी। तो कहा गया हम कोई दिल्ली से कम है, अरे भाई दिल्ली कहाँ आ गया है यहाँ,